तो दोस्तों फिर से मैं एक टेक्निकल का वीडियो लेके आ चुका हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात कर लेता हूँ कि यदि आप लोग किसी फ्रेंड को मैसेज भेजते हो तो वो फ्रेंड आपकी मैसेज कैसे व्यू करेगी, कैसे सीन करेगी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मेरी मैसेज देख रहे हैं। तो इसी की डाउट को आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि हालांकि काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैं जो मैसेज अगले आदमी को भेज रहा हूँ वो मेरा मैसेज को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे पता करें। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं दर्शाता है कि आप लोग कैसे पता कर सकते हो कि मेरी मैसेज को कोई देख रहा है। जैसे कि मैं मैसेज को ओपन करूँगा, यहाँ से देख सकते हो कि चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से हाई का ऑप्शन लिख के भेज देता हूँ। अब यहाँ से भेजने के बाद आप लोग देखोगे, यहाँ से मैं भेज दिया जैसे कि देख सकते हो मैसेज के द्वारा, तो यहाँ से देखोगे कि हाई का ऑप्शन गया है, यहाँ से सेंड भी हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो सेंड हुआ है और अगले आदमी जो मेरी मैसेज को पढ़ा या नहीं कैसे पता कर सकती है, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि दोस्तों टेक्निकल से रिलेटेड ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक वीडियो को मैं लेके आता हूँ जिससे आपकी सारी की सारी डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ और आसानी से इस वीडियो को देख के आप अपने प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं बताऊँगा, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको सिंपली कट कर देनी है, आपको आ जानी है यहाँ ट्रू कलर पे। आने के बाद मैं यहाँ से मैसेज को ओपन कर लेता हूँ। मैसेज को ओपन करने के बाद यहाँ से देखोगे तो मैं जो अभी हाई का मैसेज किया हूँ वो ट्रू कलर पे यहाँ शो है। ठीक है, अब यहाँ से जो हाई का ऑप्शन यहाँ से देखोगे तो यहाँ देखो सेंट हो चुका है, यहाँ से SMS सिम वन द्वारा गया है हाई का ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ से तो मैं मैसेज को सेंड कर दिया हूँ, लेकिन यहाँ से मेरी मैसेज वहाँ तक पहुँचा है ना ये भी आपको मैं जानकारी अभी दे देता हूँ। ये जो आपको बैक आ जाना है, बैक पे आ जाने के बाद यहाँ आपको सिंपली किसी ऐसे फ्रेंड के पास आना है जो हमेशा मैसेज को ऑन रखता है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मैं हाई का ऑप्शन लिख के भेज दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं ट्रू कलर से भेजूँगा। ये जैसे ही मैसेज जाएगा तो ये उसके मोबाइल में जैसे ही मैसेज गिरा था तो डबल सीन आएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ, ये देख सकती हूँ डिलीवरी लिखा गया, तो इसका मतलब है कि मेरी जो मैसेज है वो अगले आदमी के पास पहुँच गया है, ये मैसेज अगले आदमी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ऐसे पता करो। अब दोस्तों आप लोग कहोगे कि सीन होता है नहीं, इसी जानकारी नहीं पता चलता है, तो वो भी जानकारी आपको पता चलता है। आपको सिंपली ऐसे करोगे ना तो आपको यहाँ से जैसे ही वो मैसेज देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीन लिखा जाएगा, यहाँ जो SMS के जगह पे आपको सीन लिखा जाएगा। या दोस्तों आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो डिलीवरी करके कि आखिरकार मेरी मैसेज अगले आदमी पढ़ रहे हैं नहीं। तो दोस्तों यही एक डाउट होती है जो काफ़ी लोगों परेशान में रहते हैं कि मेरी मैसेज अगले आदमी के पास जाता है या नहीं, और वो दोस्तों क्या करते हैं कि वो मैसेज के मैसेज करते हैं। जैसे कि जो मैसेज है ना वो एप्लीकेशन फ़ोन पे का ये मैसेज है तो इससे वो मैसेज करते हैं, तो इससे क्या होगा कि ऑलरेडी इसमें सेंड लिखाएगा। जैसे कि मैं अभी सेंड किया हूँ, देख सकते हो यहाँ अब डिलीवरी लिखा गया, तो इसका मतलब है कि मेरी मैसेज उसके मोबाइल में तक पहुँच गया है। अब सीन जैसे ही करेंगे तो आपको इसे इंस्टॉल करके अपने सीन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसकी जानकारी मैं स्पेशल एक वीडियो में बताऊँगा कि आखिरकार सीन कैसे लोग करते हैं और सीन जब करते हैं तो इसमें काहे नहीं दर्शाता है, इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको बता दिया हूं, इससे आपकी आधा से डाउट क्लियर हो चुकी होगी। तो आसानी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी आपकी डाउट होंगे उसे कमेंट करो और फॉलो करो, आसानी से मैं उसकी पर वीडियो बना के डाल दूंगा और अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। तो चलिए समाप्त करते हैं वीडियो को, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।